आप बताएं जनाब, आपको लगता है पॉजिटिविटी जो है वो हमेशा काम आती है या फिर ज़रा थोड़ी मनूवरिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी? देखें, बहुत सारे लोग करते भी हैं, वो कहते हैं कि ये जिंदगी का हिस्सा है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल बना दिया ना उसको, कोई भी ये सियासत करना चालाकी कर रही है, उस सियासत जी कर रहा है, यानी सियासत तो एक अच्छी चीज है अगर सही की जाए तो, है ना, ये तो कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, मगर इसको दूसरे जो है ना नेगेटिव और मैं चले गए उसके अंदर सारा। बात यह है कि जैसे आलमगीर साहब ने अगर मुझे ये हक दिया था जो बात कर आप जो बात कर रहे थे कि जो हमारे साथ करते हैं, तो आज इनकी इज्जत देख लें आलमगीर साहब की, कि आज तक अल्लाह ने इनकी इज्जत कायम रखी है, इनकी इज्जत कम नहीं हुई। और मैं उस आर्टिस्ट का एक नाम नहीं बताऊंगा कि एक आर्टिस्ट ये करता है शुरू से आज तक मेरे साथ, यानी जुगनी वो मैंने इतना चेंज किया, वीडियो भी किया वी चैनल पे, इंटरनेशनली भी वो उसको कॉपी भी हुए बहुत लोगों ने, उसके नकल इंडियन मूवी के अंदर, अफलातून फिल्म के अंदर अभी एक मूवी आई है उसी की, दोबारा से मिका सिंह ने गाया मेरी उसी जुगनी को, वही म्यूजिक को। एक आर्टिस्ट वो चार घंटे पहले पहुंच जाता है कॉन्सर्ट के अंदर कि यार सलीम जावेद है और मैं ये जुगनी तो गाऊं, हालांकि ना उस पर सचती है ना कुछ है, ताकि ये पीछे इसको खराब करने के लिए इसके ऐसे होते हैं, ये ताकि ये खराब हो जाए। और आज फिर वो होता क्या है, जिन्होंने किया ना ऐसा वो इसके नीचे ही रहेगा। देखिए मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आलम साहब आज ये बात कभी डिस्कस नहीं हुई, आज 20 साल से ज्यादा हो गए तो मैंने पहली दफा ये बात की है आज। और वो आर्टिस्ट आज तक 35 सालों में मेरे साथ वो कोशिश करता है तो वो होता नहीं है, तो वो जाके उसने कहा मैं जुगनी पहले गा दूं, ये क्या करेगा फिर? मगर अल्लाह ने मेरे लिए लिखी होती है इज्जत, वो म्यूजिक मेरा ऐसा है कि लोगों ने वो उसका इंतजार करते हैं कि यार ये आएगा तो हम लोग सलीम का ही इंतजार करेगा, तो वो होता है। अब मैं उस आर्टिस्ट को देखता हूँ, फिर अल्लाह को देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि वो ये करके कहाँ पर पहुंच गया है, यानी वो भी नाम बनाया था उसने, वो भी नाम है उसका, मगर वो कहाँ पहुंच गया। और आलमगीर भाई ने मुझे अपना हक दिया कि तुम गाओ जुगनी, तो आलमगीर भाई की इज्जत किधर है आज? क्या बात है यार, बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत अच्छी बात कही सलीम ने। जो लोग किसी को हक देते हैं ना उनकी इज्जत कम नहीं होती कभी भी, मर्तबा अल्लाह बढ़ाते हैं हमारा। हम लोग क्योंकि इनसिक्योर हो जाते हैं ना लोग, नेचर इंसान की जल्दबाज भी है, इनसिक्योर भी है, दे डोंट थिंक फॉर लॉन्ग रन के ऊपर जो जात बैठी है उसने बांटा हुआ है सबको, सबको देना उसने। अच्छा मुझे ये बताएं फैमिली क्या है, किस तरह है, किधर है आपकी फैमिली सारी? तो अमेरिका में, वो एटलांटा में, वहीं रहता हूँ मैं, तो सब माशाल्लाह खैरियत से। हाउ मेनी किड्स? मैं, एक बेटा है मेरा, ओके, बस ही जस्ट फिनिश्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी का खत्म किया, ठीक है, एंड नाउ ही इज, वाज इट अ लव मैरिज? मेरा जी नहीं, अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज, देखें यार, लेकिन देखिए मजे की बात है कि मेरी जो लाइफ स्टोरी पे फिल्म बन रही है तो उसमें कुछ कई तो रोमांस कर ले हम लड़का हीरो हीरोइन रोमांस। तो मैंने जब उनको कहा मेरी स्टोरी सुनाया, मेरे पूरे लाइफ स्टोरी, तो कहते कि आपका शादी कैसे? तो मैंने बताया अरेंज शादी, यार ये तो बोरिंग है यार, ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बोरिंग है, हम तो इसको सोचा हम इसको इसके ऊपर क्या फिल्म बनाएंगे, हम इसको लव मैरिज कर देंगे। अरे यार पहले ही बता दिया आपने, ये तो पहले ही पता लग गया भाई, अगर अब उस पर लव मैरिज होगी तो एग्जैजरेटेड बात है। अच्छा शादी के बाद तो लव हो गया ना, फिर ये तो तय है ना, ठीक है। अच्छा रियल लव होता है। अच्छा ठीक है, आप बताइए जी, आप के कितने बच्चे हैं और बाहर क्यों रखे हुए आपने? मेरे 3 बच्चे हैं और हाँ माशाल्लाह, एक बेटी 2 बेटे और एक वाइफ है। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, दिस समथिंग न्यू है ना, करे लीगल मगर एक ही है। तोबा, ये ऐसे मजाक में बात की है, बहरहाल एक ही देख रही होंगी भाभी है, भाभी देख रही होंगी, हाँ भाभी को भी पता है, इसलिए तो ये बात कर दी, तो पता है डाव बेकार है। तो, ओके हाँ, तो 3 बच्चे हैं, वो बच्चे स्टडी बाहर, सही, आप बाहर ले गए थे उनको लेटर ऑन से? चले गए स्टडी के लिए, गए थे यहां से। देख ग्रोन अप माशाल्लाह, एक तो आपका बेटा जो है वो, अब मैं तस्वीर की देखी तो वो, बल्कि तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि दोनों एक जितने लग रहे हैं, बाप और बेटा। तो माशाल्लाह ये भी एक आपकी भी गुड लक, उसकी भी, कि यंग एज में बाप भी अगर यंग है तो बड़ा मजा आता है। हाँ जल्दी शादी होना भी एक अच्छी बात होती है और बच्चे आपके साथ साथ बड़े हो जाते हैं, और शोबिज़ के लोगों को मैं चाहता हूँ कि वो इतने, उनकी ज़िंदगी जो है ना डिसबैलेंस होती है उनकी, ऑर्गेनाइज इतने नहीं होते, ठीक है, मेरा अपना लोग सबके लिए नहीं कह रहा, बारा इतने ऑर्गेनाइज नहीं क्योंकि हमारी टाइमिंग्स डिफर करती हैं। हाँ, हम लोग कब जाग रहे हैं, कब सोते हैं, स्पेशली आपके स्टेजेस भी होती हैं, एक टाइम होता है जब आप मेहनत कर रहे होते हैं, एक टाइम होता है आप स्ट्रगल पीरियड में होते हैं, एक टाइम होता है आप स्ट्रगलिंग से ऊपर चले जाते हैं, फिर एक टाइम होता है आप स्टार, सो यू ऑलवेज नीड अ फैमिली टू बैलेंस योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैलेंस, आपकी बेगम जब आती है घर के अंदर ना तो वो ही करती है आपको, बाहर फिक्र भी रहती है कि यार घर पे कोई इंतजार भी कर रहा है, बच्चे भी हैं उनको भी टाइम देना है तो जाना है, तो ये अच्छा होता है।
मैं सबको कहूँगा कि शादी कर लेना चाहिए, कोई वो नहीं। अच्छा पहले होता था लोग छुपाते थे शादी, शादी नहीं करते थे यार हमारा, हम आर्टिस्ट हैं ये वो, लोग शादी जिनकी हो जाती है हीरोइंस भी छुपाते थे, हीरो भी, अब तो शादीशुदा लाइकिंग नहीं होती। अब देख लें शाहरुख शाहरुख की लाइकिंग देखो कहां, सभी की सबकी पूरी हर जितने भी सब लोग भी शादी, व्हिच इज इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ, यू कांट हाइड इट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।